अंदर मत जाना। इस जिले के भले ही तुम राजा होंगे और यहाँ की जनता के भगवान भी होंगे और करोड़ों लोगों के लिए पार्लियामेंट मेंबर, हिंदुस्तान की पूरी जनता को तुम उल्लू बनाना चाहते हो, इसलिए बताओ बताओ तुम मेरे लिए कौन हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करूँ? दूध पीता बच्चा हो ना जो मैं समझने की कोशिश करूँ? पतिव्रता स्त्री की बात जो समझ नहीं पाता उसकी बात को मैं समझने की कोशिश करूँ? तुम्हारे बेटे की खातिर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो? ले चलो से थाने ले जाओ से। ए चल चल। तेरा नाम क्या है? जो तुम्हारा मन करे वही रख लो। तेरे बाप का नाम क्या है? वो नाम भी अपने आप ही रख लो। और तेरी माँ का नाम? जो तुम्हारी माँ का नाम है वही रख लो। राजा साहब से अस्पताल में जाके उनसे पहले बयान लेना है, और अगर उन्होंने तेरा नाम लिया तो वापस आकर तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। हाँ तो मार डालो, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है। आनंद साहब आए हैं तो आने दो। नहीं, रोक दो उन्हें। साहब रुक जाइए। सर प्लीज प्लीज यहीं रुक जाइए। माँ का दूध पिया तो आना, आजा।
हम आए हैं पैसे भर के उसे बेल पे छुड़ा के ले जाने के लिए। उसे ले जाके मैं मार दूंगा। हाँ लेके जाओ, कौन किसको मारता है ये पता चल जाएगा। चुप कर, आपके पिताजी अस्पताल में है, आप उनके पास जाइए, काम होते ही फोन करूंगा। चले नीचे उतर। हथकड़ी खोल दो। जा भाग जा। इनकाउंटर करने के लिए मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ। पुलिस वाला जब किसी की मदद करता है तो समझ जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे भला क्या मिलेगा तेरा इनकाउंटर करके? मेरी सुपारी जो लिए? तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम में वाकई अकल नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा एनकाउंटर होने के बाद मुजरिम भाग रहा था इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। ऐसे FIR लिखनी होगी। लेकिन भागने वाले की गोली आगे नहीं पीछे दागी जाती है। अगर तुम गोली चलाओगे तो गोली सीने में लगेगी, तब तुम्हारी FIR झूठी पड़ जाएगी। तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुझे पकड़ के पीछे घुमा के तब तुझ पर गोली दाग कर सेम केस बनाऊंगा। ए, इसे घुमा के पकड़ो। आज से भगवान ने कमाने का मौका मुझे दे दिया है। गायत्री आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में फिजिकल डायरेक्टर की नौकरी मिली है माँ। मूर्ति क्यों तोड़ दी? तो इसमें क्या हुआ? लेकिन इसके पैसे कौन देगा? बिल में डाल दो। सुनो, वो बहुत कीमती मूर्ति थी, दूसरा पीस नहीं है। आई सी। चार मूर्तियों का मिलाकर जो भी पैसा बनता है वो बिल में लगा देना, तभी वो बिल मेरे स्टैंडर्ड का बनेगा। ये कितना है? 990 रुपए। 1000 लगा लो, वो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक रहेगा। जाके बिल बना दो। Stupid. Hey, इसे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, थप्पड़ मैंने उसको मारा, लेकिन दर्द यहाँ पे हो रहा है। कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, तुम जैसा अमीर दर्द क्या जाने? हो आई सी। पैसे देते हुए इसने मेरा हाथ पकड़ा इसलिए मारा। ले, मैंने पकड़ लिया, चल मुझे मार के दिखा। मेरा हाथ पकड़ने की तुम में इतनी हिम्मत? शाम तक तुम्हारा एड्रेस का नामो निशान मर जाएगा। तो ठीक है, मेरा एड्रेस लिख लो। स्ट्रीट नंबर 1, हाउस नंबर 1, नागेंद्र कॉलोनी। मैं एड्रेस बताऊंगी ना, सांस रुक जाएगी। तो अगर राजकुमारी भी होगी ना तो मेरा एड्रेस नहीं बदलेगा, सेम नागेंद्र कॉलोनी। इस सिटी में तुमने सुदर्शन ठाकुर का नाम तो सुना ही होगा ना? मैं उन्हीं की बेटी हूँ, इस राज्य के बिग शॉट जीवन शिपिंग के राजा साहब, उनकी कजिन। मैडम आप वेरी सॉरी, भैया इन्हें छोड़ दो। अरे तो डर क्यों रहा है? लगता है तुम नोटों की ताकत नहीं जानते हो। मेरे पास नोट नहीं चलते हैं, हाथ चलते हैं।
तेरी इस तरह की हरकत मैंने अगर दोबारा कहीं और भी देखी ना तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, चल जा यहाँ से। हे, बिल कितना हुआ बता। अरे वो सूरज घर पे है ना? हाँ वो घर में है। आज आपके आशीर्वाद से सूरज को आपके ही कॉलेज में नौकरी मिल गई। अरे हाँ सूरज, नौकरी जरा संभल के करना, वहाँ उठ पटांग लोग बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर तुम्हें लिख लिख कर पढ़ाना होगा। इसमें कौन सी नई बात है मास्टर जी, आप है ना? आपने जब पंप से पानी निकालना शुरू किया था तब कितने सारे सांप निकल कर आए थे। बस 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 बस, ये बात कॉलेज में मत बताना, मेरी बदनामी होगी। कॉलेज का टाइम हो गया, चलता हूँ सूरज। माँ मुझे भी निकलना चाहिए। अच्छा तो मैं चलूँ? ऐसे ही जा रहा है? क्यों माँ? देवी माँ का आशीर्वाद लेके जाना। घर में मेरी माँ के होते हुए किसी और से आशीर्वाद क्यों? तुम जो मुझे आशीर्वाद देती हो ना, वो आशीर्वाद कोई और दे पाएगा क्या माँ? इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम हो, और हमारा कौन है? चलो जाओ, सामने से आओ ना। चलता हूँ।